श्रेया उठ गई। मैं तो तैयार हो गई मम्मी, पर आप बहुत अच्छी दिख रही हो इस साड़ी में। नई नई साड़ी, क्या बात है, अच्छी लग रही है ना? हाँ बहुत अच्छी लग रही है आपके ऊपर, और ये कलर आपके पास था भी नहीं। कल गई थी ना शॉपिंग मॉल से, वही सी ली है, 80% ऑफ। मम्मी आपकी ये साड़ी तो वो लाल साड़ी से मैच करती है, वो भी ऐसी ही है ना? हाँ तो वो लाल वाली भी 80% ऑफ की थी ना, 2 महीने पहले ली थी। गुड़ी पाड़वा पे, और ये मैंने सोचा उसकी जैसी है, अच्छी दिख रही है। अच्छा आप तो बड़ी फैशनिस्ता बन गई मम्मी। काय तो इसगुत, अभी एक बात ध्यान से सुनो, आज दादाजी आने वाले, जैसे वो आएंगे पैर छूना उनके, खंबे जैसी खड़ी मत रहना वहां पे। आप कोई टेंशन मत लो मम्मी, मैं आते ही उनके पैर छूंगी। आज ही आ जाएंगे, मेरी सारी मौज मस्ती बंद। बेटा कंट्रोल योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी फाइन। कैसे बैठू माँ मैं शांत, आज पापा आ जाएंगे, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उनको? जैसा मुंह है वैसा ही दिखाइए, अभी आपकी प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं कर सकते। बहुत महान बनने का शौक था, हीरो बनने का शौक था, बन गए हीरो, अब बता दीजिए पापा को आपने क्या क्या किया है। जैसे शर्वरी जी के सामने बोलते हो वैसे ही बोलने का, बिल्कुल मत डरिए, बिंदास जाइए पापा के सामने। शर्मिला हमारे इसके ऊपर एक बार बात हो चुकी है, मेरा मुंह मत खोलो, मैंने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। तो मैं कहाँ बोल रही हूँ, आपने कुछ गलत किया है, बहुत अच्छा किया है आपने, मैं कुछ नहीं बोल रही इसके बारे में, पर जो सच है ना वो बोलने का। ए देवरी, क्या बात है, आजकल तेरे तेवर कुछ ज्यादा ही बदले हैं, नई नई साड़ी पहनी है, न्यू हेयर स्टाइल। ससमा मैंने आपको भी कल नई साड़ी लाई है, मोतियों की माल लाई है। इतनी मुझे कुछ पसंद नहीं आई, और ये भी ठीक ठाक ही है। तो क्यों पहना है, दीजिए निकल के, वापस दे देती हूँ मैं, उसमें मेरी साड़ी आ जाएगी एक और। ज्यादा टॉक टॉक मत कर मेरे सामने, नहीं तो तुझे ही मायके वापस कर दूंगी। बढ़िया ही मेरी साड़ी वापस करने। बेटा तू इसकी बातों पे ध्यान क्यों देता है, तुझे पता है ना वो कैसी है? देखो ना कैसा बार बार मुझे बोलती है। बेटा कूल डाउन कूल डाउन, ठंडा ठंडा बर्फ। अब लग रहा है अच्छा ठंडा ठंडा? मां मैं क्या करूं? पहली बात ये डरना बंद कर, तू जितना डरेगा ना बेटा ये दुनिया तुझे उतना डराएगी। क्या कर लेंगे तेरे पापा, खाने थोड़ी वाले हमें, या घर से बाहर निकाल देंगे? कुछ नहीं करेंगे वो, ज्यादा से ज्यादा 4-5 चमट मारेंगे, खा लेना। ये देख तेरी लोबर्ड कैसे हंस रही है, है क्या इसमें कोई मैनर्स नाम का चीज, घर में क्या माहौल है? हंसने तो क्या करूं, आप दोनों माँ बेटे ऐसी बातें करती हो, किसी को भी हंसी आ जाएगी। कुछ मत बोल, ब्रेनलेस है तू, ब्रेन नाम का चीज नहीं तेरे दिमाग में, घर में क्या माहौल चल रहा है, 24 घंटे बत्ती से निकालती रहती है घर में। मेरी दोस्त स्कूटी पे से गिर गई थी, इसको दिखाने ले गई, दांत निकल रही थी वहां पर भी। की मैंने गलती, क्या गलती, क्या आपने गलती की मुझसे शादी करके? मैंने गलती की आपसे शादी करके? तू तो लकी निकली, तुझे मेरा बेटा मिला। मेरा बेटा है ही हीरा, वो तो मैं ही पागल थी, पता नहीं शादी को क्यों हाँ किया। तो आपको तभी सोचना चाहिए था ना जब मुझे देखने आए थे आप। मेरा लाल हो गया था ना तेरे प्यार में लड्डू, तो करनी पड़ी मुझे हाँ। तो इसमें मेरी क्या गलती है? बस मुझे तेरा शांत रहने दो अब, क्योंकि मेरी बैंड बजने वाली है। अब आपको कोई बचा नहीं सकता, तो इसके ऊपर ज्यादा मत सोचिए, निश्चिंत हो जाइए। बेटा तू कोई चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। माँ अगर पापा आए और उन्होंने मुझे घर पे देखा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अरे क्या, एक काम करते उनको बता देंगे तेरे ऑफिस को 7 दिनों की छुट्टी लग गई है। देखिए मैं अभी बता रही हूँ, अगर ससुर जी ने मुझसे पूछा तो जो सच है ना मैं बताने वाली हूँ, मैं नहीं बोल सकती झूठ। शर्मिला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ससुर जी को सच बताने वाली हूँ। खबरदार अगर तूने इनको सच बताया तो। ये देखिए ससमा मैं झूठ नहीं बोल सकती। अरे उल्टा बोल तू, मैं आग लगाए बिना नहीं रह सकती, ऐसा बोल। हर बार इसको घर में आग लगानी होती है, माचिस की तीली लेके ही बैठती है ऐसे, कब लगाऊ कब लगाऊ। मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक ससुर जी को कभी झूठ नहीं बोला। क्या
करेगी ऐसा रिकॉर्ड बना के? वैसे भी तेरा नाम वो गैनोस गोनस गोनस कौन सा वो बुक गैनोस बुक में रिकॉर्ड नहीं होने वाला। मुझे नहीं चाहिए वैसे भी कोई रिकॉर्ड बुक में मेरा नाम, पर मैं ससुर जी को सच बताऊंगी। माँ इसको कुछ समझाओ ना। क्या करूँ मैं इसका, मेरी कोई बात मानती है? खुद की गलती है, कर खुद की, क्या कर सकते हो? आराम चल रहा है वॉचमैन। वॉचमैन ही है ना तू, ये लेजी मैन है। नहीं वो थोड़ा सा आज सुबह जल्दी उठ गया ना पानी भरने के लिए, वो सब औरतें चिल्लाती रहती है मुझ पर, पानी नहीं भरा पानी नहीं भरा। अरे सुबह तो जल्दी उठना ही चाहिए, सूरज निकलने से पहले इंसान को उठना चाहिए। आ गए आप गांव से, क्या लगता है तुझे ये मेरा भूत है? कैसे चल रहा है गांव का काम? अच्छा चल रहा है गांव का काम, अभी बारिश होने के पहले का सारा काम कर दिया है, अभी देखते हैं वरुण राजा कैसे बरसते हैं, फिर आगे का काम देखेंगे। श्रेया की दादी जी को आप साथ में नहीं लेके गए थे? वो महारानी कब आएगी गांव? उसको तो गांव बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब बेटे ने शहर में घर ले लिया, हो गई वो शहर की, बोलता हूँ गांव चलो बिल्कुल नहीं आती। अभी एक बार लेके ही जाना पड़ेगा उसको भी, बहुत हो गया उसका। नहीं बहुत कुछ हुआ यहाँ पे। क्या हुआ है? बेचारे प्रवीण भाई। तू मुझे साफ साफ बोल क्या हुआ है। आ गया मेरा दोस्त। तेरी कमी थी। कैसा है? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, तू कैसा है? मैं भी एकदम ठीक हूँ। और गांव में सब कुछ कैसा चल रहा है? बस एकदम जोरदार चल रहा है गांव का काम। हाँ मेरे लिए कोई लड़की देखी? मजाक कर रहा हूँ। तू इतने दिन नहीं था तो मैं घर पे भी नहीं गया तेरे चाय पीने के लिए, अब तू आ गए चल चाय पीने चलते हैं। तुझको जरा से भी तमीज नहीं है? मैं अभी बाहर से आया हूँ चाय पीने के लिए, चलो क्या है ये। मजाक कर रहा हूँ। क्या चाचा जी आपको कोई तमीज है क्या? वो अभी बाहर से आए चाय पीने के लिए चलो, कैसा लगता है वो बोलना, भी ठीक लगता है? इसी के लायक है तू, मैं तो कहता हूँ अमेरिका चला जा, वहाँ पे थप्पड़ काटने के भी पैसे मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ आप ही चले जाओ ना अमेरिका, आप जैसे लोगों की वहाँ पे बहुत जल्दी शादी हो जाती है। अच्छा हाँ क्योंकि आपकी तो अभी यहाँ पे शादी होने वाली है नहीं। ये देख मेरी बात तू कान खोल के सुन ले, इस साल तुझे चाची मिलेगी, मतलब मिलेगी। आपका तो पता नहीं पर मैं जरूर शादी करने वाला हूँ इस साल। तेरी ये जो तू इतना उड़ रहा है ना हवा में, मेरी वजह से हुआ है सब, मेरे एहसान कभी मत भूलना, मैंने ही तेरी और चंपा की सेटिंग करा के दी थी। माँ आगो भाई लगते हैं सुरजी आगे। माँ मुझे कहीं पे छुपा लो। कहाँ पे छुपेगा तू? आपके पीछे छुपू? घोड़े इतना बड़ा हो गया मेरे पीछे कैसे छुपेगा? नहीं दिखूंगा माँ मुझे छुपने दीजिए। अरे आगो भाई छुप गया मैं माँ।